शिखर पे ये बल्लेबाज मैट हेनरी, छोटी गेंद, धीरे ही खेलना चाहते थे, दो रन की शायद ही सोच थी, विराट कोहली की वापस आ जाएंगे, पांच रन चाहिए, हाई फाइव चाहिए अब, क्या बढ़िया सोच वहां पर, और अब पांच रन की जरूरत विराट कोहली को, अपने शतक के लिए पांच रन जीत के लिए भारत को, लोअर बाउंसर लेकिन बढ़िया तरीके से खेला, कंट्रोल तरीके से खेला वहां पर, पांच का आंकड़ा, पांच बार अब तक न्यूजीलैंड जीती है, पांच विकेट भारत के हाथ में है, पांच रन चाहिए, पांचवी ये जीत होगी, चौथा मैन अच्छा एफर्ट, देखिए अब वक्त है, अब चाहे ड्रेसिंग रूम हो, चाहे जाडेजा हो, चाहे सभी दर्शक हो, बिल्कुल बिल्कुल ये वक्त ले लीजिए, जीत का ये हाई फाइव होगा, ये प्रतियोगिता जिस तरीके की तैयारी करके, जिस तरीके की फिटनेस और फॉर्म लेके भारतीय टीम आई, 85 रन ऑस्ट्रेलिया में, दो रनों में तीन विकेट गवाए थे, अफगानिस्तान के खिलाफ क्लिनिकल, पाकिस्तान के खिलाफ जल्द आउट हुए, लेकिन उसके बाद दो बढ़िया नॉक्स, थोड़ी गेंद पीछे डीप स्क्वायर लेग के पास जाएगी, और जैसे आपने कहा कि वक्त ले सकते हैं, क्योंकि सारी मेहनत करी, जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, अब आपके पास वक्त है, तो बुरी नहीं है कि आप वहां से जीतते हैं, अगर आप तो आपका सेमीफाइनल का जो रास्ता है वो बिल्कुल पक्का होता हुआ, सबको इंतजार, विराट कोहली पीछे फील्डर है, नहीं शतक में इंतजार करना पड़ेगा, शतक का इंतजार करना पड़ेगा, मैट हेनरी आगे आए, ज्यादा तेज गेंद, एलिवेशन मिला, दूरी नहीं, चाहे दूरी ना हो लेकिन आज जो जरूरत नहीं थी वो लगभग पूरी की है, निराश शतक तो आ जाएगा लेकिन वो जीत का जो इंतजार है लगभग वो खत्म किया है विराट कोहली की इस पारी ने, जी हाँ जी, आज से आपने बोला कि शतक तो आ जाएगा लेकिन इस पारी की तारीफ करनी बहुत जरूरी, विराट कोहली 95 की पारी खेलते हुए लगाने की कोशिश, या हाथ में बल्ला मुड़ा लेकिन एक आसान सा कैच मिड विकेट के हाथ में, सराइए तारीफ करिए बल्लेबाजी की, इनिंग की, मोहम्मद शामी हल्के हाथों से खेला, फाइन लेग की तरफ तक किया, गेंद को देखे दूर, चार रन दूर है भारत, मुझे आप भूल गए क्योंकि आप मुकाबला जीतने वाले, लेकिन उसके साथ साथ इंतजार था इन रनों का भी, आसान सा कैच टीम में ग्लेन फिलिप्स के लिए, विराट कोहली पूरी मेहनत की थी, इंतजार था, और हो भी क्यों नहीं, मौका भी था, दस्तूर भी था, और ये जीत के मायने भी होते, जीत के मायने सामने न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम जिसने आपको चैलेंज किया, जाडेजा, जाडेजा स्ट्राइक पे, मोहम्मद शामी विकेट्स आज की शाम, मोहम्मद शामी वो भी नहीं भूलेंगे, रविंद्र जाडेजा, बात ये थी जो थोड़ा दौर गुजरा उतने रन आए नहीं जाडेजा के बैट से, लेकिन आज दबाव को उन्होंने भी सोका, ये जब हवा में गई थी इतनी बड़ी बाउंड्रीज नहीं, एक समय के लिए लगा कि शायद जाएगी सीधा, कैमराज तैयार थे, सेलिब्रेशन तैयार थी, लेकिन फिर भी जैसे यहां बातचीत की, 104 गेंदों पर 95 रन, बहुमूल्य 95 रन, स्टैंडिंग ओवेशन विराट कोहली के लिए, जाडेजा के बैट से खत्म हुआ दो दशक का इंतजार, 2019 में जो कहानी अधूरी रह गई थी जाडेजा से, ये भी सही कि विनिंग रन धोनी के बैट से जीत का हाई फाइव भारत का, पांच मुकाबले घर पे खेले जा रहे इस विश्व कप में, पांचों को जीता है, आज सामने दूसरी अपराजित टीम न्यूजीलैंड ने चैलेंज किया, लेकिन उस इम्तिहान में भी पास भारत, चार विकेट से जीत, 2003 के बाद आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली, क्या ये जीत बेहतरीन जीत, वो भी न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ, पूरी टीम मैनेजमेंट, लापन कप्तान विराट कोहली सब खुश होते हुए, पूरा भारत खुश होते हुए, और पांच मैच लगातार जीतते हुए भारत, न्यूजीलैंड दो टेबल
चौहान।